वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक पार्सल आया है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये मेरा एड्रेस है। और ये पार्सल कहाँ से आया है मैं दिखा देता हूँ। ये पार्सल हमारे पास भेजे है भसावा जिग्नेश भाईनी जी ने भेजे है गुजरात से। तो मैं इस पार्सल को ओपन करके देख लेता हूँ इसके अंदर कौन सा सेट टॉप बॉक्स हमारे पास भेजे है रिपेयर के लिए। तो इसको मैं खोल लेता हूँ। तो इस पार्सल को हमने इस साइड से खोल लिए हैं, आप देख लेते हैं इसमें से कौन सा सेट टॉप बॉक्स निकलता है। तो इसमें से निकला ये A6 का सेट टॉप बॉक्स। तो इस सेट टॉप बॉक्स में क्या प्रॉब्लम है वो तो पता नहीं है, तो इसके लिए एक बार टीवी में लगा के इसको ऑन करके देख लेते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, फिर इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व भी करेंगे। वीडियो पूरा देख जाइए। तो हमारे पास ये जो A6 का सेट टॉप बॉक्स आए हैं रिपेयर के लिए, तो मैं इसको एक बार टीवी में लगा के चेक कर लेता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसको हमने HDMI से कनेक्ट कर लिए है, अब इसमें दे रहे पावर। तो पावर दिए तो यहाँ पे बूट आ गया है, उसके बाद चारों जगह पे EEE आ गया है। इसके मतलब इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इस तरह अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसको मैं एक बार सॉफ्टवेयर करके देखता हूँ। तो ये सेट टॉप बॉक्स में जो प्रॉब्लम यहाँ पे हमने देखे कि यहाँ पे EE आ रहा है, तो इसका तो प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर का है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ पेन ड्राइव से कोशिश करके, पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर होता है कि नहीं होता है। तो पेन ड्राइव से मैंने इसको flash.win फॉर्मेट करके इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाले हैं। अब इसको मैं पीसी से पावर दूंगा और यहाँ से रिमोट से मेनू का बटन बार बार प्रेस करूँगा। तो इस तरह मैं देख लेता हूँ ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है कि नहीं होता है। तो देखें, यहाँ पे एक बार यूज़ भी आए थे, उसके बाद EE आ गया है, मतलब ये पेन ड्राइव से ये सॉफ्टवेयर नहीं ले रहा है। तो इसको करने के लिए इसको IC निकाल के करना पड़ेगा, आप वही करते। तो ये जो सेट टॉप बॉक्स है A6 का, इसको हमने खोल लिए है, और ये है इसका मदरबोर्ड। और इस मदरबोर्ड से हमने इसका जो मेमोरी IC फ्लैश IC होता है उसको हमने निकाल लिए है। अब इस फ्लैश IC को हम प्रोग्रामर के थ्रू सॉफ्टवेयर करके फिर इसको लगाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे क्या सही होता है कि नहीं होता है। तो इसके अंदर हमने इसका IC निकाल के इसको सॉफ्टवेयर कर दिए है, अब इसको ऑन करके देखते ये सही हुआ कि नहीं हुआ है। अगर सही हो जाए तो इसके अंदर करेंगे हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर। बॉक्स ऑन हो चुका है और ये A6 का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का बूट लोगो, इसके अंदर हमने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर किए हैं और ये बॉक्स बिल्कुल अभी ओके हो चुका है। अब इसके अंदर हम करेंगे हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए हमने इस पेन ड्राइव में हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर डाल दिए हैं। अब इसको यहाँ पे लगाएंगे और वही प्रोसेस दोबारा करेंगे, बॉक्स को पीछे से बंद कर देंगे और जैसे ही दोबारा इसको प्लग इन करेंगे और उस टाइम रिमोट से मेनू का बटन बार बार प्रेस करेंगे। तो हम यहाँ से इसको पावर दे रहे हैं और रिमोट से मेनू का बटन बार बार प्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका TV स्क्रीन के सामने ये मैसेज आ जाएगा, USB अपग्रेड डू नॉट पावर ऑफ। और ये लगभग 1 से 2 मिनट तक ये इस तरह रहेगा और उसके बाद हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बूट लोगो भी आ चुका है dbfinder.com का। इस QR कोड को हटाने के लिए आपको एक एल कोड की ज़रूरत होगा, तो वो एल कोड मिलेगा हेलो बॉक्स का जो ऑफिशियल साइट है वहीं पे मिलेगा, हेलो बॉक्स का dbbcode.com, या फिर इस एल कोड हमारे पास भी मिल जाएगा, अगर किसी को चाहिए तो हमारे पास भी मिल जाएगा। इस QR कोड का एल कोड अभी हम परचेस करेंगे
हेलो बॉक्स को ऑफिशियल साइट से ही परचेस करेंगे, फिर इसको इंटर करेंगे। तो पहले इसको परचेस कर लेते हैं। तो हमने इस QR कोड का एल कोड परचेस कर लिए हैं। अब इसका जो QR कोड हमको मिला है एल कोड, वो हम यहाँ पे इंटर करते हैं। 363645 ये है हमारा इस QR कोड का एल कोड, और यहाँ पे इंटर करते हैं। और जैसे इंटर किए ये हम आ चुके हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर का मेन मेनू में। बाकी यहाँ पे कुछ दिखाने के लिए ज़रूरत नहीं है। इसके हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर में क्या क्या मिलता है, यहाँ पे एसकेएम प्लस मिलता है 1 ईयर का, और IPTV यूट्यूब ये सब कुछ तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला बॉक्स तो फुल रेडी हो चुका है। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई बॉक्स में कोई दिक्कत आता है तो हमारे पास कॉन्टैक्ट कर सकते और रिपेयर करवाने के लिए हमारे एड्रेस पर भेज सकते। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो बस इतना ही है। वीडियो पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।